हाँ जी, तो दोस्तों मेरा नाम प्रमोद है और आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो रिलायंस कम्युनिकेशन का कुछ पैटर्न या बन रहा है तो कैसा मूवमेंट आ सकता है। जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर कह दिया था ये पॉजिटिव जाएगा इतनी प्रॉफिट बुकिंग के बाद, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आज 1.5% की प्रॉफिट ऊपर भी गया था। ये मैं पिछले क्लोजिंग वेनसडे क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, आपको वीडियो थोड़ा सा लेट मिलेगा। आप देखें अगर यहाँ से अगर इसके पैटर्न्स की बात करी जाए तो मैंने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पैटर्न्स है बिल्कुल एकदम 3 बार टच हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 बार टच हो रहे हैं और फिर ब्रेकआउट मिल चुका है, और ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मुझे लग रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए पीछे से एक लाइन टच होती हुई आ रही है जो स्टॉक को सपोर्ट प्रोवाइड करती हुई आ रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा मिनिमाइज़ की जगह 5 मिनट की कैंडल 15 मिनट की करके दिखाता हूँ तो आपको देखने को मिल जाएगी वो वाली ट्रेंड लाइन भी एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट बाद तक मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस लाइन को अगर हम स्ट्रेच करें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल सपोर्ट पैटर्न है, इसके ऊपर सपोर्ट पैटर्न के ऊपर ये स्टॉक चला है और इसने देख सकते हैं टिकने की कोशिश भी की और एक बढ़िया रिटर्न देने की कोशिश की, और वैसा ही स्टॉक गया और अच्छे रिटर्न हमें प्रोवाइड करा दिया। तो एक बहुत ही बढ़िया बात मुझे लगी है, स्टॉक ऐसे रिटर्न दे रहा है तो अब बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। तो आज छोटा सा वीडियो बनाया, आपको टारगेट और पैटर्न समझा दिए हैं, तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।